हाय एवरीवन, मैं भूवी नीट एंड मशमोर में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 2 से 3 साल के बच्चों के लिए राउंड और स्टाइलिश कैप बुनना सीखेंगे। इसका लुक तो आपने देख ही लिया होगा, ये पहनने में बहुत ही सुंदर लगता है। ये दोनों सेम नाप की मैंने बनाई है और आज ऐसी ही हम एक और बुनना सीखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये टोपी बनाना मेरे साथ सीखते हैं। इस कैप को बुनने के लिए मैं 3.5 mm की ये क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ और 3-ply यार्न यूज़ कर रही हूँ। आप यार्न के हिसाब से क्रोशिया यूज़ कर सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ये कैप बुनना स्टार्ट करते हैं। इस कैप को बुनने के लिए सबसे पहले हमें एक नॉट लगानी होगी, फिर उसके बाद हम 10 चेन बनाएंगे, हमें 10 चेन बनानी है। अब यहाँ एक नॉट लगाने के बाद यहाँ से हम चेन बुनना स्टार्ट करेंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब हमने यहाँ 10 चेन बना लिए। अब यहाँ दूसरी वाली चेन से हम सिंगल क्रोशिए बुनना शुरू करेंगे। ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब 8 सिंगल क्रोशिए बुनने के बाद जो लास्ट वाली चेन है उसमें हमें 8 सिंगल क्रोशिए बुननी है। अब इसमें जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिए है उसमें हमें मार्कर लगाना है। अब यहाँ फर्स्ट सिंगल क्रोशिए में मार्कर लगाने के बाद आगे हमें 7 सिंगल क्रोशिए इसी जगह पे और बुनने हैं। अब 8 सिंगल क्रोशिए बुन लेने के बाद हमें ऐसे इसे गोलाई में मोड़ना है। ऐसे मोड़ने के बाद जहाँ पे हमने ये मार्कर लगाया है वहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ से रो 1 स्टार्ट होगा, तो हमें सबसे पहले एक चेन बनानी है, फिर उसके बाद हमें इसमें 8 सिंगल क्रोशिए बुनने हैं। एट सिंगल क्रोशिया कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाएंगे, फिर यहाँ से अब रो 2 बुनना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम 8 पोस्टेज बुनेंगे। पोस्टेज बुनना बहुत ही आसान है, पहले भी अपने चैनल पे इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है। आई बटन पे मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट पर 2 चेन बनाएंगे, फिर यार्न को ऐसे मोड़ के हम 3 बार यार्न पुल करेंगे।
ऐसे यार्न पुल करके इनको साथ में हम ऐसे एक साथ बुनेंगे। फिर एक चेन और बनाएंगे। अब ऐसे ही हमें सात और पोस्टेज बुनने हैं। हमने सात पोस्टेज यहाँ बुन लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब हमें लास्ट पोस्टेज बुनना है। अब आठवां पोस्टेज बुनने के बाद यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। पहले यहाँ पे एक लगाएंगे, हमें यहाँ पे दो लगाने हैं। पहले यहाँ पे लगाएंगे और दूसरा हमें पहले वाले पोस्टेज पे लगाना है, तो दो हो जाएंगे। यहाँ स्लिप स्टिच बुनने के बाद हमें दो चेन बनाने हैं। सेकेंड रो में हमने 8 पोस्टेज बुने थे, अब इस रो में हम एक जगह पे दो दो पोस्टेज बुनेंगे। टोटल 16 पोस्टेज हमें बुनने हैं। सेकेंड रो में हमने जैसे बुना था हमने वैसे ही बुनना है पहला वाला। अब एक स्टिच बुनने के बाद हमें दूसरा वाला भी यहीं पे बुनना है। लेकिन उसको एक बार ऐसे हमने बुन कर छोड़ देना है, उसमें अभी हमने चेन नहीं बनानी है। तो ऐसे ही हमें यहाँ दूसरी जगह पे दो बनाने। तो इसको हम यहाँ पे बंद कर देंगे, दो चेन लगा देंगे। ऐसे ही हमें हर जगह पे दो दो बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है और टोटल 16 पोस्टेज बुनने। हमने यहाँ तक 14 पोस्टेज बुन लिए हैं, अब हमें दो और बुनने हैं, तो टोटल 16 हो जाएंगे। सिक्सटीन पोस्टेज बुनने के बाद हमें यहाँ पहली यहाँ पे स्लिप स्टिच लगानी है। फिर उसके बाद यहाँ पे पहली पोस्टेज में हमें एक स्लिप स्टिच और लगानी है, टोटल दो। फिर हमें ऐसे दो चेन बनानी है।
अब ये फोर्थ रो है, दो चेन बनाने के बाद हमें टोटल 24 पोस्टेज बुनने हैं, हमें एक जगह पे तीन पोस्टेज बुनने हैं। अब दो पोस्टेज बुनने के बाद हमें थर्ड वाली भी यही बुननी है। उसको हम ऐसे ओपन छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे इस जगह को छोड़ के जो ये गैप दिख रहा है वहाँ पे हमें तीन पोस्टेज आगे और बुननी है। अब ऐसे ही तीन तीन पोस्टेज बुनकर हमें ये रो कंप्लीट करनी है, टोटल 24 पोस्टेज होने चाहिए। अब 24 पोस्टेज बुन लेने के बाद यहाँ पे हमें दो स्लिप स्टिच लगानी है, पहली हमें यहाँ पे लगानी है और दूसरी पहली पोस्टेज में। अब फोर्थ रो एंड होने के बाद हमें यहाँ दो चेन बनानी है स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब ये फिफ्थ रो है, रो फिफ्थ में हमें दो दो पोस्टेज बुनने हैं एक एक जगह पे, तो टोटल 32 पोस्टेज हमें इसमें बुनने हैं। फर्स्ट रो में सिंगल क्रोशिया बुनने के बाद 8 हमने पोस्टेज बुने, फिर 24, अब इसमें हम 32 पोस्टेज बुनेंगे। अब फिफ्थ रो में हमें क्या करना है, यहाँ पे जो तीन पोस्टेज हमने लास्ट रो में बुने थे उसी के ऊपर हमें दो दो पोस्टेज बुनने हैं और टोटल हमें 32 पोस्टेज बुनकर ये रो कम्प्लीट करनी है। Thank you.
फिफ्थ रो भी हमने एंड कर लिया। यहाँ पे अब हम स्लिप स्टिच लगाएंगे और एक यहाँ पे भी लगाएंगे। रो फिफ्थ भी हमने एंड कर लिया है। अब इसके साथ इसको नाप के देखते हैं। अब फिफ्थ रो तक हमने यहाँ तक इसकी बुनाई कर ली है। इसके आगे हमें और रोज बुनने हैं और हमें सेवन रोज तक इसको अभी बढ़ाते ही जाना है। सेवन्थ रो कंप्लीट होने के बाद हम उसको सीधा ही बुनते जाएंगे। 1, 2, 3, 4 और 5 फिफ्थ रो कंप्लीट हो गए हैं। अब ये सिक्स्थ रो है, इसमें हमें सबसे पहले दो चेन बनानी है, उसके बाद हमें तीन तीन पोस्टेज इसमें बुनने हैं। एक जगह पे हमें तीन पोस्टेज बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है और टोटल 48 पोस्टेज होने चाहिए। अब यहाँ दो स्लिप स्टिच लगाकर हम ये रो एंड करेंगे। सिक्स्थ रो हमने कंप्लीट कर लिया है, आगे अब हम सेवन्थ रो की बुनाई करेंगे। अब सेवन्थ रो में हमें दो दो पोस्टेज बुनने, जो तीन तीन पोस्टेज हमने लास्ट टाइम बुने थे उसके ऊपर हमें दो दो पोस्टेज बुनने। रो सेवन्थ भी मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब इसके साथ नाप के देखे तो हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है। अब इसके आगे हमें दो दो पोस्टेज ही बुनते जाना है। अब हमें तीन पोस्टेज एक साथ नहीं बुनने, तो आगे अब हम रो 14 तक इसको बुनते जाएंगे। सेवन रोज तक हमने बुनाई कर ली है, अब आगे हमें सेवन रोज और बुनने हैं। मैंने रो 8 से लेकर रो 14 तक बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 है। इसमें टोटल 14 रोज मैंने कंप्लीट किए। इसमें भी आप चेक करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 बिल्कुल बराबर है। यहाँ तक तो हमने बुनाई कर ली है, अब ये मेन पार्ट है और हमें ये बॉर्डर बनानी है। आपने अपने बच्चों के हेड के हिसाब से ही इसकी बॉर्डर बनानी है। मैं 3 से 4 साल के बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 85 सिंगल क्रोशे ही बुनूंगी। बेबी टू बेबी हेड की नाप थोड़ी इधर उधर हो सकती है, तो आप क्या करिएगा, इसमें आप पहली रो कंप्लीट करने के बाद एक बार अपने बेबी के हेड पे चेक कर लीजिएगा, तो आप फंदे थोड़े घटाकर या बढ़ाकर फिर बाद में एडजस्ट कर सकती हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो दो दो यहाँ पे पोस्टेज हमने बुने इन्हीं में हमें सिंगल क्रोशे बुनना है। अब यहाँ से हमें सिंगल क्रोशे ही बुनने हैं, तो हमें टोटल 85 सिंगल क्रोशे बुनने हैं। तो 3, 2, 2, 3, 2, 2 करके ये हमें इस रो में 85 सिंगल क्रोशे बुनने।
ऐसे ही बुनकर हमें ये रो एंड करनी है 85 सिंगल क्रोशिया बुनकर। ये रो कंप्लीट होने के बाद आगे हमें 6 रोज और बुनने हैं। मैंने 7 रोज कंप्लीट कर लिए हैं। आपको यदि इस बॉर्डर की लेंथ और ज़्यादा चाहिए तो इससे ज़्यादा भी बुन सकती हैं और इससे कम भी रख सकती हैं। अब ये वाली इससे थोड़ी मोटी यार्न है तो इसमें मैंने 5 रोज ही बुने हैं। अब हम इसकी ये एज बुनना सीखेंगे। अब इसकी एज बुनने के लिए हमें सिंगल क्रोशिया बुनना है, लेकिन बैक सिंगल क्रोशिया। पहले हम आगे से बुनते थे, अब हमें पीछे से बुनना है। वैसे ही बुनेंगे लेकिन हमें बैक साइड से ऐसे बुनना है। हम यहाँ पे नीडल ऐसे इंसर्ट करके यार्न को ऐसे पुल करके आगे लाएंगे, फिर उसे ऐसे बुन लेंगे। बस ऐसे ही हमें बुनते जाना है और रो एंड करनी है। अब बैक सिंगल क्रोशिया बुनकर हमने रो एंड कर लिया है, तो अब यार्न को हम सिक्योर कर लेंगे। अब इस कैप की बुनाई कंप्लीट होती है। यदि आपको ये कैप पसंद आया हो तो ज़रूर ट्राई करेगा और बनाइएगा ज़रूर, और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, आगे भी हम इससे भी सुंदर और स्टाइलिश कैप बुनना सीखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आप यदि मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।